हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका। जैसे कि आप सब लोग जानते होंगे कि मैंने अभी अभी राइडिंग चालू करी है, या हो सकता है नहीं भी जानते हो। तो यहाँ पे सिडनी में मैंने अभी अभी मोटरसाइकिल खरीदी है, अपना ड्राइविंग लाइसेंस लिया है लर्नर्स। और मैंने एक्चुअली मैं मई में लिया था, और लास्ट मंथ मैंने एक बाइक खरीदी है। तो अब उसके लिए धीमे धीमे ना राइडिंग गियर खरीद रहा हूँ मैं, क्योंकि राइडिंग गियर बहुत महंगा है। आई थिंक इंडिया में भी है, सब जगह है, प्रोटेक्टिव गियर है तो महंगा तो हो गई। तो मैंने रिसेंटली एक जैकेट खरीदी है। हेलमेट मेरे को मेरे एक दोस्त ने दे दिया था, थोड़ा ढीला है, पर मैंने एक और हेलमेट ऑर्डर किया है। अब जब वो डिलीवर होगा तो मैं उसका भी एक वीडियो बनाऊंगा। और मैंने थोड़ी सी रिसर्च करी, रिसर्च किया, मेरे को थोड़ा सस्ते में कोई जैकेट चाहिए थी। मुझे पता नहीं था कि मैं कैसी जैकेट में कंफर्टेबल होऊंगा और किस टाइप की राइडिंग करूंगा। तो मैंने कहा एक जैकेट ले लेते हैं अपना, सिडनी में, सिटी में घूमने के लिए, आसपास कहीं जाने के लिए, या जो भी वीकेंड राइडिंग जैसी भी होगी। तो एक जैकेट मैंने ले लिया, और उसके बाद हो सकता है बाद में और भी जैकेट लें। वो तो मोस्टली बहुत सारे लोग करते ही हैं, राइडिंग गियर काफ़ी होता है लोगों के पास जो फ्रिक्वेंटली राइड करते हैं। तो मैं आपको दिखाता हूँ मैंने कौन सी जैकेट ली है। मैंने ली है मैकना की जैकेट। मैंने ये जैकेट खरीदी है, ये ब्रांड का नाम है मैकना, शायद उल्टा दिख रहा है सीधा दिख रहा है पता नहीं। ये बहुत, ये एक्चुअली मैं जब मैंने जैकेट ली तो मुझे लगा ये ऑल वेदर जैकेट है, क्योंकि इसके अंदर है ना एक लाइनिंग आई थी। मैं आपको दिखाता हूँ ऐसे, ये थर्मल लाइनिंग इसके अंदर थी, जो कि ये चेन्स के साथ जुड़ी हुई थी अंदर, है ना। यहाँ पे अपना रिस्ट के आसपास भी ऐसे ही थर्मल लाइनिंग ऐसा था ये। मैंने कहा बढ़िया, ये ऑल ऑल वेदर जैकेट है, सर्दियों में भी इसको यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने ये हटा दी, और फिर मैंने इसको अंदर से जब देखा लाइनिंग हटाने के बाद, तो देखा कि यहाँ पे कोई मैश वगैरह नहीं है, ये अंदर से रेनकोट जैसा है। तो मैंने कहा इसको गर्मी में चलाने में तो लंका लग जाएगी अपनी, इसको कैसे पहनेंगे गर्मियों में। पर अब पता नहीं, देखो कैसे होता है। तो इसमें वही अपना शोल्डर का आर्मर है, ये देखो मैकना, मतलब दिखने में अच्छी लग रही है ना, इसकी ब्रांडिंग बढ़िया है, कलर वलर अच्छा है, ये शायद रिफ्लेक्टिव है। तो ये शोल्डर में है, एल्बो पे आर्मर है, और बैक पे इसके फोम है। तो आप इसको दूसरा लगा सकते हो, हालांकि मैंने अभी ट्राई नहीं किया दूसरा लगाने का। साथ में उसके ये नीचे है ना, ये जिप लगी हुई है, तो इससे आप अगर मैकना की कोई पैंट लेते हो तो वो भी इसके साथ अटैच कर सकते हो। तो जैकेट काफ़ी अच्छी है, मैं आपको पहन के दिखाता हूँ एक बार। वो मेरा साइज़ भी भयंकर है ना, मेरे को नॉर्मल टी शर्ट में एक्सेल में काम हो जाता है, एक्सेल या 2XL में, इसमें तो 3XL लगा हुआ है। पर जैकेट अच्छी है ना। हाय भगवान, देखो जैकेट बढ़िया है। तो अभी तो नहीं, लोग ये कहाँ गया, ये भी नहीं निकाला अभी तो मैंने इसको। तो मस्त है जैकेट, थोड़ा अपना पेट बढ़ा रहा है। और यहाँ पे ये वेलक्रो दिया हुआ है, तो वेलक्रो से ये रिस्ट यहाँ पे टाइट हो जाएगी, और मस्त चला सकते हैं इस पे। तो जैकेट अच्छी है, पता नहीं एक निशान भी लग गया मेरा इसमें, पर मुझे पसंद है। तो यहाँ पे ये इसकी कीमत थी $299, तो लगभग 16-17 हज़ार रुपया के आसपास, पर मेरे को अभी हाफ प्राइस में मिल गई मेरे को ये। अच्छा, शायद गंदी है इसलिए इन्होंने हाफ प्राइस में दे दी क्या मेरे को, या मैंने गंदी करी है, भगवान जाने। पर ठीक है, एक छोटा सा ही निशान है। तो ये जो है, इस मॉडल का नाम है, क्या नाम है इसका, हाँ ये है मैकना ट्रैक्शन, वाटरप्रूफ जैकेट है, टू लेयर सिस्टम, बेल्ट और बेल्ट लूप्स भी है, मतलब साइड में लूप्स भी है, रिफ्लेक्टिव पैनल है पूरा आगे पीछे कई जगह, अच्छा है, आई लाइक इट। मैंने अभी तक पहन के ट्राई नहीं किया है, पर देखो ये पीछे से ऐसी दिखती है और आगे से मैं दिखाई दे रहा हूँ आपको। तो काफ़ी अच्छी जैकेट है, उसके अंदर सर्दियों के लिए लाइनिंग भी है, वाटरप्रूफ भी ऑलरेडी, क्योंकि सिडनी में तो भयंकर बारिश होती है, आए दिन बारिश होती रहती है, तो अपना काम हो जाएगा इसमें मेरे हिसाब से।
अगर आपको मौका मिले ऐसा कुछ खरीदने का तो अच्छा है। तो मेरे को कितने की पड़ी मैंने बताया आप लोगों को, हाफ प्राइस में पड़ी मेरे को। वैसे है ये 299 की, मेरे को पड़ी $160 की, जो कि होता है लगभग 8,000 में। 8,000 में बढ़िया चीज़ है यार, क्या डिज़ाइन विज़ाइन है खतरनाक। और वैसे भी अपन बिगिनर राइडर हैं तो जब अपने को थोड़ा सा और एक्सपीरियंस हो जाएगा, नया गियर लेंगे। अभी एक हेलमेट भी ऑर्डर किया है एरो का, और वो भी ब्लैक फ्राइडे डील में हाफ प्राइस में मिल गया अपने को। 500 का था, 250 में मिला है, अभी तक शिप नहीं हुआ, भगवान करे हो जाए शिप, तो उसको भी अपन ट्राई करके देखेंगे। और उसके अलावा जूता भी खरीदना है मेरे को, जूता खरीदना है, ग्लव्स है ऑलरेडी, जैकेट वैकेट नहीं है मेरे पास। वो नी पे पहनने वाला वो आर्मर आता है ना सर, टिक टिक करके लगा लो उसको चिपका के वेलक्रो से, वो भी है, तो राइडिंग के टाइम वो भी पहनता हूँ मैं। तो अभी तो बस यही है, मैं आपको बताता हूँ एक बार पहन के क्या जब एक्सपीरियंस कैसा होगा। सोच रहा हूँ मोटो ब्लॉगिंग चालू करूँ, बताना किसी को अगर ऐसा इंटरेस्ट हो देखने में कि ऑस्ट्रेलिया, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में अपने देसी मोटो ब्लॉगर्स एक भी नहीं है, मतलब मेरे को लगता नहीं, मैंने देखा नहीं, अगर होगा तो मेरे को बताओ कैसा चैनल है उनका। पर मैं सोच रहा हूँ ऑस्ट्रेलिया बहुत अनएक्सप्लोर्ड सा है, मतलब इतना डिजर्टेड सा वो है ना जगह, तो काफ़ी लोगों ने वीडियोस कभी बनाए नहीं, और हिंदी में तो कतई नहीं बनाया उन्होंने, तो बताना है ना कमेंट करके कि क्या। और इंग्लिश में कंटेंट पता नहीं बनाऊं कि नहीं बनाऊं, इंग्लिश बोल लेता हूं, मैं अब यहाँ रहता हूँ तो बोल लेता हूँ, पर अगर होगा ज़रूरत लगेगी तो इंग्लिश में ही बनाएंगे अपन, ठीक है। चलो फिर मिलते हैं, बाय।